राहुल गांधी की सांसदी खत्म होने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने जहां 25 मार्च को देश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तो वहीं 26 मार्च को दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि, राजघाट और सभी जिला मुख्यालय में एक दिन के सत्याग्रह की घोषणा कर दी गई है और इस आंदोलन को धार देने की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली है। दोनों ने आज राजघाट के धरने में शामिल होने की बात कही है। अब कुल मिलाकर राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य किए जाने के बाद राजनीति तो गर्मा चुकी है। बात अगर राहुल गांधी की जाए तो राहुल जी अपने आरोपों में चौकीदार चोर, मोदी अडानी भाई भाई, ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे उदाहरण तो देते ही रहते हैं। राहुल गांधी सरकार या फिर सरकार की नीतियों पर हमला करने के बजाय सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही व्यक्तिगत हमला करते हैं और साफ है कि कांग्रेस अभी भी इस लड़ाई को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनाना चाहती है। अब ये राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी के मुकाबले एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए अपने राजनीतिक करियर को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यह कोशिश कामयाब हो भी पाएगी? क्या यह बलिदान राहुल गांधी को सोनिया गांधी की तरह पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमंत्री से भी ज्यादा प्रभावशाली नेता बना देगा? अब अगले 2 महीने से भी कम वक्त में कर्नाटक विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजे, इन सारे सवालों का सटीक जवाब होंगे। कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ लकी जगवानी, ANP।